हेलो फ्रेंड्स, यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं सी लैंग्वेज को, जिसमें हम यहाँ पे एक प्रोग्राम बनाया जाएगा यहाँ पे फैक्टोरियल का, ठीक है, जिसमें एक लूप इस्तेमाल होगा जिसका नाम है फॉर लूप। ठीक है, आपके एग्जाम में पूछता है कि राइट अ प्रोग्राम टू कैलकुलेट फैक्टोरियल नंबर। आपको डिप्लोमा का एग्ज़ाम देने जा रहे हो, अगर सी लैंग्वेज अगर आपका सब्जेक्ट है तो इसे ये क्वेश्चन अक्सर पूछा करता है। अगर आप ओ लेवल का एग्ज़ाम तैयारी कर रहे हो, ठीक है, तो वहाँ पर भी ये क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, तो चलिए इसको डिस्कस करते हैं। ओके, एक प्रोग्राम बनाते हैं और आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। ओके, तो चलिए यहाँ पे लिखते हैं। जैसे कि आपको ये स्टेटमेंट पता ही होगा, इंक्लूड लगाना स्टडी डॉट एच, मैंने इसको प्रीवियस लेके में डिस्कस किया अच्छे से, ठीक है। ओके, ये ऊपर जो मैंने लिखा है इसको कमेंट बोलते हैं, ठीक है। डबल स्लैश का इस्तेमाल करोगे, कमेंट बन जाएगा। प्रोग्राम को आप डिफाइन भी कर सकते हो कि क्या नाम है इसका, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे लिखते हैं वॉइड मैन। और आपको पता होगा कि जो ये फंक्शन होता है, इस फंक्शन के अंदर ही हम लिखते हैं, ठीक है। तो हमने लिख दिया यहाँ पे int, और यहाँ पे हमने दे दिया जो नंबर हमें प्रिंट करानी है, तो हमने दिया n और c, यानी क्या, एक वेरिएबल डिक्लेयर हम कर रहे हैं यहाँ पे, फैक्टोरियल इक्वल 1, और हमने वैल्यू डिसाइड करी यहाँ पे। इंटीग्रल के नीचे आएंगे हम, यहाँ पे क्या लिखना है हमें, हमें लिखना है प्रिंटर, और हम प्रिंटर लिखने के बाद क्या करेंगे, इसके अंदर मेटा लिखना चाहते हैं कि जो हमें नंबर लिखेंगे कि इंटर अ नंबर, इंटर अ नंबर, क्लोज करेंगे। यहाँ पे हमें इनपुट दिखाना है, तो इनपुट दिखाने के लिए हम क्या करते हैं, स्कैनर का इस्तेमाल करते हैं, स्कैनर। और इसके अंदर जितनी भी वेरिएबल हमें चलानी है, हम क्या करेंगे, इंटीजर वैल्यू को रन कराने के लिए हम क्या करते हैं, परसेंटेज डी का इस्तेमाल करते हैं, और कैरेक्टर को रन कराने के लिए परसेंटेज सी, ठीक है। और कोई डेसिमल पॉइंट वाला होता है उसको बोलते हैं परसेंटेज एफ से रन कराते हैं, ठीक है ना। तो फिलहाल इसको हम रन कराने वाले हैं, ठीक है। तो हमने लिखा एम परसेंट से इसको जोड़ देंगे, जो एंड का सिंबल होता है इसको बोलते हैं हम लोग एम परसेंट, ठीक है। इसके बाद हम करेंगे क्या, यहाँ पर लिखेंगे लूप यानी फॉर, और इसके अंदर हम क्या लिखेंगे, हमने दे दिया सी इक्वल वन, और जो स्टेटमेंट होता है ना सेमी कॉलन, सेमी कॉलन से इसको तीन पार्ट में सेपरेट करते हैं, ठीक है। ख्याल रखना है इसको, सी लेस देन इक्वल एन, और इसको सेपरेट किया मैंने, यहाँ लिख दिया मैंने सी प्लस प्लस, ठीक है। इसके बाद देखो यहाँ पे हम सेमी कॉलम नहीं लगाएंगे, क्योंकि हम इसके अंदर प्रोग्राम में रन करानी है, ठीक है ना, इसलिए नहीं लिखे, सेमी कॉलम नहीं लगाएंगे। इसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे, हम लिख देंगे जो हमें वैल्यू रन करानी है, हमने लिखा फैक्ट इक्वल, और हम लिख देंगे फैक्ट मल्टीप्लाई सी। इसके बाद हमने इंटर किया, यहाँ पे क्या करेंगे हम, हमने लिख दिया जो मैटर में प्रिंट करानी है। देखो यहाँ पर हम लिखेंगे प्रिंट स्टेटमेंट क्लोज, स्टेटमेंट क्लोज करने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमने इसके अंदर लिखना है मैटर, क्या लिखना है, हमने लिखा है एक न्यू लाइन ले लो, ठीक है, जो स्लैश एन होता है, देखो फैक्टोरियल नंबर इज इक्वल कर लो और परसेंटेज डी लगा दो यहाँ पर, ठीक है, यानी डेसिमल पॉइंट के लिए रन कराना है। और यहाँ पर करना क्या है, कॉमा लगा दो, सॉरी यहाँ पर डबल कोटेड क्लोज कॉमा, और यहाँ लिख दो फैक्ट, क्योंकि फैक्ट को ये रन कराना है, ये डेसिमल ये हमारी वेरिएबल थी इसलिए हम इसको रन कराएंगे यहाँ पर, ठीक है। अच्छा, अब देखो यहाँ पर इंटीग्रल के नीचे आ जाओ, यहाँ लगा दो गेट सी एच, ठीक है, गेट सी एच लगा हुआ है। ओके, अब देखते हैं, चलिए अब इसको इस प्रोग्राम को हम रन करा लेते हैं। देखो एक चीज़ ख्याल रखना, यहाँ पर सी एल आर सी आर का इस्तेमाल कर लेंगे हम, ठीक है ना। और अब क्या करेंगे, हम इसको हम कंट्रोल एफ नाइन प्रेस करेंगे, यहाँ पूछ रहा है इंटर अ नंबर, हम अगर फोर प्रेस करते हैं, हमने इंटर प्रेस किया तो इसका फैक्टोरियल आता है 24। क्यों, देखो अगर एक से लेकर चार तक नंबर लिखो, एक दो तीन चार, ठीक है, जितने भी नंबर हैं उन सबको आपस में मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा 24। ओके, ठीक है, तो ये अगर प्रोग्राम आपको समझ में आए तो वीडियो को लाइक करें, ठीक है। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।